नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। सीवान के बिंदुसार पंचायत की मुखिया आभा देवी के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं दवा वितरण का आयोजन सीवान के मवारी पंचायत के हलखोड़ी बाबा के प्रांगण में लगाया गया था। इस कैंप में सीवान के प्रसिद्ध डॉक्टर मौजूद रहे। डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर दुर्गेश कुमार, डॉक्टर रागिनी सिंह, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर मनीषा राज, डॉक्टर कुंदन कुमार सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन, डॉक्टर एमडी शाहिद, डॉक्टर प्रदीप कुमार मौजूद रहे। तो सुनिए इस स्वास्थ्य जांच शिविर में डॉक्टर और मुखिया ने क्या कुछ कहा। यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस तरह का मैंने एक बार बिंदुसार पंचायत में लगा था और एक महुआरी पंचायत में कैंप का आयोजन किया गया। पिछले बार 8 फरवरी को बिंदुसार पंचायत भवन पर आयोजन किया था गया था और 8 अगस्त को हलखोड़ी बाबा के प्रांगण में आयोजन किया गया। इस तरह का शिविर का बहुत सारा उद्देश्य है कि मान लीजिए कि बहुत सारे के पास पैसा नहीं रहता, फीस नहीं रहता है, डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पाते हैं, तो इस तरह का कैंप लगाने के 10 यहाँ डॉक्टर आए हुए थे। कैंप लगाने का यही उद्देश्य है कि उस पर्ची पर डॉक्टर लोग 21 दिन तक अपने आवास पर भी देख सकते हैं और अपना फ्री में यहाँ दवा भी मिला है और फ्री में इलाज भी हुआ है, फ्री में जांच हुआ है। करीब में 600 के आसपास लोगों के इलाज हो चुका है। आज जो भी कैंप लगाया गया है, सबसे पहले तो इस कोरोना काल में इस तरह का कैंप का आयोजन ये एक चुनौती पूर्ण एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत इस एरिया के महुआरी गांव या आसपास के जो भी पंचायत के लोग हैं, जो लोग इसके दौरान किसी कारणवश कहीं इलाज नहीं करा पाए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग सभी डॉक्टर के टीम यहां पे आसपास के लोगों को इलाज करने के लिए, उनके दुखों को साझा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और इस एरिया के जो भी मुखिया प्रत्याशी हैं आभा देवी, उन्हीं के तत्वावधान में ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया है और हम सभी डॉक्टरगण इस समाज के सेवा के लिए हम लोग यहाँ तत्पर हैं। अगर हमारे पास उस तरह के कोई मरीज आ रहे हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें हम अपने क्लिनिक पे, अपने जगह पे बुला के उन्हें निःशुल्क सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गंभीर रोगों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ उस तरह के मरीजों की सिर्फ स्क्रीनिंग की जा रही है कि वह किस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। देखिए, ऐसे आयोजन से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो लोग पैसे के अभाव में डॉक्टर के क्लिनिक में जा नहीं पाते हैं, वैसे लोग इस निशुल्क शिविर में आकर स्वेच्छा से दिखाते हैं। और इस निशुल्क शिविर में एक रुपए की बात नहीं हो रही है। आप निशुल्क पर्ची बनवाइए, निशुल्क सिवान के टॉप मोस्ट डॉक्टर से अपने आप को दिखाइए और निशुल्क दवा लीजिए। और सबसे बड़ी कि जब तक यह पर्ची है 21 दिनों तक कोई फी नहीं लगने वाला है, और विशेष परिस्थिति में अगर कुछ होता है तो मुखिया जी शुरू से अपने जनता के लिए समाज में बने रहते हैं और सहयोग करते हैं। आज उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि आज विकट समय है, उसके बाद भी जनता उमड़ी हुई है अपने मुखिया के प्रति, जो विश्वास है उनका। मैसेज ये हमारी जो मुखिया हैं श्रीमती आभा कुमारी, उनके द्वारा ये जनहित में शिविर लगाया गया है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के, सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर आए हुए हैं और इनके द्वारा ये लगभग ये दूसरा कैंप है। अभी 8 फरवरी को एक हुआ था कैंप, आज 8 अगस्त है। इससे बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके तक डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर जिनकी जो बीमारी है वो डायग्नोज नहीं हो पा रही है, एटलीस्ट कैंप के नाम पे वो लोग फ्री की दवाई मिल जा रही है, जाँच हो जा रही है और उनमें थोड़ी सी जागरूकता आ रही है, तो कि हाँ हमको हो सकता है ये बीमारी है, डॉक्टर डायग्नोज करके बता रहे हैं, तो वो अपने हेल्थ को लेके अवेयर हो रहे हैं और ये समाज हित के लिए एक शिविर है। तो देखिए, मैं तो ब्रेन की डॉक्टर हूँ, न्यूरोसाइकेट्री पार्ट है मेरा, तो अधिकतर जो मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं एंजाइटी डिप्रेशन के या फिर नींद अनिद्रा की कमी, कुछ पेशेंट अभी यहाँ जो स्मैक लेते हैं चाहे कुछ तरह की नशा कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं चुपके चुपके, अब जैसे कैंप है तो आके हमसे बात किए कि मैडम ऐसा है, तो अच्छी बात है, कम से कम लोगों में अवेयरनेस जा रही है। बाकी सब जो अधिकतर कमर दर्द, देह दर्द जो भी है, बुखार हो गया या फिर एंजाइटी, मोस्ट ऑफ दी एंजाइटी डिप्रेशन रहा। देखिए, ये एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ के मुख्य प्रत्याशी हैं श्रीमती आभा देवी, उन्हीं के तरफ से। तो हमारे तरफ से कोशिश है कि जितना हो सके यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके,
मतलब फ्री मेडिकल कैंप के द्वारा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है जो बेसिक हेल्थ नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए। देखिए वो तो है ही, कोरोना काल चल रहा है तो अभी तक में तो लोग बहुत अपने सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत ज़्यादा जागरूक हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दूरी मेंटेन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो बता ही नहीं देखिए। ये शिविर लगा था मुखिया आभा दुबे के द्वारा और इस पर पूरा हम लोग आए हैं और अच्छा से दिखाए हैं, पूरे लोग यहाँ के पूरी जनता खुश है। और ऐसा एक बार और बिंदुसार पंचायत भवन पे भी लगा था, वहाँ की भी जनता बहुत खुश है। हम लोग दिखा के दवा ववा सब वितरण हो रहा है, सब ठीक है यहाँ पर जी, पूरा फ्री में चेकअप जांच सब कुछ हो रहा है। हम तो फिजिशियन दुर्गेश सर से दिखाए हैं, हम पूरा संतुष्ट हैं। मेरा नाम नूरुल हक, आँख दिखवाने के लिए आए थे जी, हम संतुष्ट हैं। कुंदन कुमार जी से दिखाए थे, वो आभा देवी सुभाष जी के तरफ से कैंप लगाया गया है और एक बार नहीं दो दो बार लगाया गया है। ऐसा भव्य आयोजन मतलब दो बार हमने देखा है, कोई पंचायत में अभी नहीं लगा है। हम लोग तो बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद में हम दो तीन महीना हुआ देखे हैं कि दो बार कैंप लगा है, एक बार पंचायत भवन पर लगा था और एक बार यहाँ पर लगा है जी। हमारे गांव से भी, आखोपुर से भी आदमी आए हुए हैं और झूनापुर से भी आदमी आए हुए हैं और टोला एक है आखोपुर टोला, वहां से भी आदमी आए हुए हैं जी, बहुत संतुष्ट हैं। महुआरी अलखोरी का वकील मुखिया जी की तरफ से, मुखिया जी लगेले वानी कैंप दो बार लगेले वानी, हाँ इलाज भइल गाँव के लोग वाणी लोग चार पाँच आदमी बहुत लोग बा लेकिन हमारा गाँव से चार पाँच आदमी आए फ्री में भइल, दो बार कैंप लागल बा दोनों बार फ्री में भइल खुशे बानी, हाँ फायदा हुआ। मुखिया का जो कैंप लगाया गया है जनता का सेवा करने के लिए, एक ऐसी बार दो बार लगा दिए हैं पंचायत बुजुर्ग पर लगाए हैं फिर यहाँ पर लगाए हैं। झूनापुर से है, महुआरी तीनों महुआरी से है, आकुपुर से है, हकाम से है। क्या बहुत लोग हो गया है जी, यहाँ के लोग जी जनता के सेवा करने के लिए आए हैं, जनता के सेवा कर रहे हैं श्रीमती आभा देवी। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।